है। अनजाने में आप ऐसे विचारों को ऊर्जा देते रहते हैं जो आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अनजाने में खराब चीजों के बारे में सोचना, बातें करना, देखना और पढ़ना आपकी लाइफ को, आपके लक्ष्यों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। विचार बीज भी है और विचार पोषण भी है। यानी यदि आपने अपने भविष्य के लिए किसी एक विचार को अपना लक्ष्य बनाया है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्या आपके अन्य विचार आपके उस विचार को, उस लक्ष्य को पोषण देने का काम करेंगे या कुपोषण। मैं जानता हूं इस तरह के नकारात्मक विचारों से तुरंत पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज, मूवीज और वेब सीरीज में सेक्स क्राइम और नेगेटिव कंटेंट भरा पड़ा है और रही सही कसर आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी फैलाने वाले लोग पूरी कर देते हैं और ये सारी गैर जरूरी इंफॉर्मेशन खरपतवार की तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक जगह बनाती रहती है। इसीलिए जैसे एक अच्छा किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही आपको अपने ब्रेन के विचारों की देखभाल हर समय करनी होगी। कोशिश करें ये खरपतवार पैदा ही ना हो और जो पैदा हो रही है उसे पैदा होते ही काटना होगा। यदि आप अपने लक्ष्यों के वृक्ष पर फल लगते देखना चाहते हैं तो कोशिश करें अच्छा कंटेंट देखें, अच्छा पढ़ें, अच्छा सुने, निंदा, चुगली, प्रतिशोध और फालतू की गॉसिप से जितना हो सके खुद को दूर रखें। अपने लक्ष्य को निश्चित करें, उस लक्ष्य को पाने की वजह ढूंढें, अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के अभ्यास से ब्रेन को रिप्रोग्राम करें। हर दिन अपने लक्ष्य पर कुछ एक्शन लें, कुछ कार्य करें, खुद को उस गोल के काबिल बनाएं और इमोशनली उस लक्ष्य से जुड़ते हुए हमेशा सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, दया, क्षमा, प्रेम और धन्यवाद जैसे सकारात्मक विचारों से अपने ब्रेन रूपी खेत को सींचते रहें। और यकीन मानिए, जब आप नकारात्मक विचारों के खरपतवार ब्रेन में पैदा ही नहीं होने देंगे तो आप एक बेहतर दृष्टिकोण वाले सफल और सम्मानित इंसान बनते चले जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, लाइफ में आपने जो बोया है ये कुदरत उसका हिसाब एकदम एक्यूरेसी के साथ रखती है और एकदम एक्यूरेसी के साथ आपको लौटाती भी है। जैसी वाइब्रेशन, जैसी एनर्जी आप इस यूनिवर्स में छोड़ते हैं वही एनर्जी आपको वापस प्राप्त होती है। याद रखिए, आज भी आप वही पा रहे हैं जो आपने कभी बोया था। और यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर